हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी के लिए फिर से न्यू जॉब वैकेंसी का अपडेट लेकर आ गया हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एयरलाइन का रिक्रूटमेंट का अपडेट लेकर आ गया हूं। दोस्तों काफ़ी दिनों से वीडियोस पे कमेंट भी आ रहा था कि एयरलाइन के रिक्रूटमेंट के बारे में अपडेट करो, सो आज मैं आप लोगों के लिए इंडिगो एयरलाइन का रिक्रूटमेंट का अपडेट लेकर आ गया हूं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पे इंडिगो एयरलाइन में किस किस पोस्ट पर, जी हाँ दोस्तों, किस किस पोजिशन पर, किस किस पद पर जॉब आया है, लोकेशन क्या होगा, जॉब का ऑफिशियल प्रोफाइल, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे आपको निकालना है, क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या मांगा गया है और कैसे आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म भर के कैसे सबमिट करना है, कैसे आवेदन करना है, सब कुछ जानकारी आप लोगों को इसी एक वीडियो में दिया जाएगा। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग यहाँ पे दोस्तों इंडिगो एयरलाइन में जॉब करना चाहते हैं, एयरपोर्ट पे जॉब करना चाहते हैं, तो वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही कमाल का होगा, सारा का सारा जानकारी आपको इस एक वीडियो में दिया जाएगा। एंड अगर आप लोग यहाँ पर भी देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इंडिगो एयरलाइन में लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आ गया है, न्यू रिक्रूटमेंट आ गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर नो फीस है, नो एग्जाम है। फीस का मतलब है कि अगर आप लोग यहां पे इंडिगो एयरलाइन में इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो और जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो कोई भी फीस नहीं लगेगा, निशुल्क में आप लोग अप्लाई कर सकते हो, फ्री में अप्लाई कर सकते हो। और यहां पर दोस्तों अप्लाई करना आपको इसी वीडियो में सिखाया जाएगा, यानी कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म भर के कैसे सबमिट करना है, इसी वीडियो में आपको सिखाया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहां पे ऑल इंडिया के लिए जॉब है, मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं, सभी लोगों के लिए जॉब है और बिल्कुल आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। कैसे अप्लाई करना है आगे चले मैं आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलने लगे। एंड आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को इंडिगो एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। मतलब जो लोगों को यहाँ पे इंडिगो एयरलाइन का जॉब का डिटेल निकालना है, सबसे पहले यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। ऑफिशियल वेबसाइट का डोमेन नेम आप यहाँ पर देख सकते हो, www.goindigo.in। आप यहाँ पर रीचेक कर लो, अच्छे से देख लो, बाकी मैं क्या करूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हो www.goindigo.in, यह है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। तो इस पे आपको आ जाना है। अब इस पे कैसे आना है, सिंपल सा काम है, अपने फोन में आप लोग कोई भी ऐसा ब्राउजर ओपन कर सकते हो। ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना इंडिगो, IndiGo, इंडिगो। जैसे आप यहाँ पे इंडिगो सर्च करोगे तो टॉप पे वेबसाइट आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं www.goindigo.in, इसी वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पे इंडिगो एयरलाइन की वेबसाइट पे आ जाओगे, जो कि अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों यह है गो इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आने के बाद क्या कर सकते हो, कैसे जॉब का डिटेल निकालना है मैं आपको बताता हूँ, बस वीडियो पे बने रहना है, साथ साथ में लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। अब यहाँ पर अगर आप आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस और यहाँ पे और भी बहुत सारे टिकट बुकिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑफर देखने को मिलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें जॉब का डिटेल निकालना है। जॉब का डिटेल निकालने के लिए सिंपल सा काम है, आपको स्क्रॉल करना है, यानी कि नीचे की तरफ आ जाना है। ऐसा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आइएगा। जैसे आप यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल लिंक देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सर्विसेज का है, सर्विस का है, क्विक लिंक्स का है और यहाँ पर सोशल का है। तो हमें यहाँ पर ढूंढना है कैरियर का लिंक। मैं आपको बता दूं कि कोई भी कंपनी हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो जियो हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, सभी का एक कैरियर का पेज होता है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आप क्लिक करके जॉब का डिटेल निकाल सकते हो कि उस कंपनी में क्या क्या जॉब चल रहा है। ठीक है, तो यहां पे भी हमें ढूंढना है कैरियर का लिंक, जो कि आप यहां पर देख सकते हो क्विक लिंक्स के लेबल में अपडेट किया गया है ऑफर के नीचे, यहां पे कैरियर्स का लिंक। तो हमें क्या करना है, यहां पे कैरियर्स के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों हम यहां पे कैरियर्स के लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम लोग रीडायरेक्ट हो जाएंगे एक न्यू पेज पे, जो कि अभी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। सो यहां पे कुछ नोटिस आता है जो कि आप पढ़ सकते हो और यहां पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे देख सकते हो आप लोग आ गए हो गो इंडिगो की वेबसाइट के कैरियर के पेज पे, जॉब के पेज पे। सो इस पेज पे आने के बाद क्या करना है, सिंपल सा काम है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यानी कि आप लोगों को थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहां पे देखोगे राइट साइड में आपको एक बटन मिलेगा, यहां पर आप देख सकते हो सर्च एंड अप्लाई का एक लिंक मिलेगा और यहां पे लिखा गया है इंडिगो कैरियर्स। ठीक है, तो यहां पे हमें सर्च एंड अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों हम यहां पे सर्च एंड अप्लाई के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हम लोग रीडायरेक्ट हो जाएंगे एक न्यू पेज पे, यानी कि हम लोग रीडायरेक्ट हो जाएंगे गो इंडिगो की वेबसाइट के जॉब के पेज पे, कैरियर के पेज पे, जहां पे हमें लेटेस्ट रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा, लेटेस्ट जॉब वैकेंसी देखने को मिलेगा गो इंडिगो का, जैसा कि आप देख सकते हो। यह है दोस्तों जॉब का पेज, यानी कि जो भी गो इंडिगो में लेटेस्ट जॉब आता है, भर्ती आता है, इसी पेज पे अपडेट होता है, जो कि आप लोग अपने सामने देख सकते हो। यहां पर टोटल दोस्तों 181 जॉब ओपनिंग यहां पे अपडेट किया गया है, जैसा कि देख सकते हो बिल्कुल लेटेस्ट है। यहां पर आप देख सकते हो ऑफिसर एग्जीक्यूटिव का जॉब है, हैदराबाद लोकेशन का जॉब है, केबिन क्रू का जॉब है, 10 दिन पहले अपडेट किया गया है, गुवाहाटी लोकेशन का जॉब है, मोटर मैकेनिक का जॉब है, 18 मिनट अपडेट किया गया है 18 मिनट पहले। और यहां पर आप देख सकते हो ग्राउंड
अकाउंट स्टाफ का जॉब है और जयपुर लोकेशन का जॉब है, 3 दिन पहले अपडेट किया गया है। ऐसे ऐसे करके देखोगे तो यहाँ पर टोटल दोस्तों 100+ जॉब ओपनिंग है, 181 यहाँ पर जॉब ओपनिंग अपडेट किया गया है। सो जॉब का कमी यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर आने के बाद जॉब प्रोफाइल कैसे निकाल के कैसे अप्लाई करना होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले कुछ और जानकारी ले लो, जैसे कि यहाँ पर आपको ये बॉक्स मिल जाता है। अब इन बॉक्स का क्या यूजर्स है, क्या काम होता है, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट बॉक्स में आप जॉब का टाइटल, जॉब का कीवर्ड देकर जॉब सर्च कर सकते हो। सेकंड में आप जॉब का कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। कैटेगरी का मतलब यह है कि आप किस कैटेगरी का जॉब ढूंढ रहे हो। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्स का है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कार्गो का है, और यहाँ पे इंजीनियरिंग का है, डिजिटल का है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंस का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। ऐसे ऐसे करके अलग अलग कैटेगरी है। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में जॉब ढूंढ रहे हो तो आप यहाँ पे ऐसा सिलेक्ट कर सकते हो, तो आपको उसी कैटेगरी का जॉब देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे लोकेशन है, यहाँ पे अलग अलग लोकेशन है, तो आप जिस लोकेशन का जॉब ढूंढ रहे हो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो रांची है, जयपुर है, गोवा है, बेंगलुरु है, पटना है, यहाँ पर आप देख सकते हो कोलकाता है, राजकोट है, तिरुपति है, दिल्ली है, जम्मू है, मतलब ऐसे ऐसे करके मल्टीपल लोकेशन है। तो आप अपने हिसाब से अपना लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी यहाँ पर जॉब का टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये फिल्टर है, यूज करना है तो कर लेना। बाकी नीचे की तरफ आपको लेटेस्ट जॉब देखने को मिलेगा जो कि अभी हाल फिलहाल के डेट में अपडेट किया गया है। अब चलिए मैं आपको डेमो के लिए दिखा देता हूँ कि कैसे हमें यहाँ पे जॉब का प्रोफाइल निकाल के कैसे हमें अप्लाई करना होता है इंडिगो एयरलाइन में जॉब के लिए, बस डेमो के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो हम यहाँ पे कोई भी पोस्ट ऐसा सिलेक्ट कर लेंगे बस डेमो के लिए, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि कैसे आपको इंडिगो एयरलाइन में अप्लाई करना पड़ता है जॉब के लिए। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बिल्कुल ईजी सा जॉब, बिल्कुल हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ये वाला जॉब जो कि मोटर मैकेनिक का जॉब है, और ये मुंबई, जयपुर, पुणे, अहमदाबाद लोकेशन का जॉब है। 18 मिनट अपडेट किया गया 18 मिनट पहले। तो हम यहाँ पे ऐसा क्लिक करेंगे, और जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस पोस्ट का, इस पोजीशन का, जॉब का ऑफिशियल प्रोफाइल यहाँ पर आ जाएगा जो कि आप देख सकते हो। यह है इसका ऑफिशियल प्रोफाइल, इसमें आपको सारा का सारा जानकारी मिल जाएगा जो कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर जॉब का आईडी है, जॉब का टाइप है, जॉब का लोकेशन है, एक्सपीरियंस का डिटेल है, बिजनेस यूनिट है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल है, पोस्ट डेट है, और इधर देखोगे तो यहाँ पे भी सारा डिटेल है जो कि आपको अच्छे से रीड कर लेना है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, और यहाँ पर डिपार्टमेंट क्या होगा, यहाँ पर लोकेशन क्या होगा, और यहाँ पर देख सकते हो एजुकेशन में क्या रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन में क्या मांगा गया, यह भी यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर लोकेशन ऑल एयरपोर्ट है, मतलब कि जो इंडिगो एयरलाइन का इंडिया में कहीं पर भी एयरपोर्ट वहां पे आपका जॉब लग सकता है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, जैसे कि मुंबई, जयपुर, नागपुर, पुणे, अहमदाबाद, इंदौर, ठीक है। तो ये है जॉब का डिटेल। बाकी यहां पे क्वालिफिकेशन आईटीआई क्लियर्ड, ठीक है, तो आपका आईटीआई क्लियर्ड होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, तो ये क्वालिफिकेशन है। सो यहाँ पे पढ़ लेना, और अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई के बटन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको डेमो के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे आपको लॉग इन टू अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसा पेज आएगा, यहाँ पे बोलेगा आप अपना ईमेल पासवर्ड देके लॉग इन करो। अगर आपने पहले से ही यहाँ पे इंडिगो एयरलाइन की वेबसाइट के जॉब के पेज पे रजिस्टर किया है, साइनअप किया है, तो और अगर आप न्यू यूजर हो तो आपको यहाँ पे साइनअप पे क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पे साइनअप करना है। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जीमेल आईडी, पासवर्ड, और यहाँ पे कैप्चर सॉल्व करके साइनअप पे क्लिक करके सबसे पहले आपको यहाँ पे साइनअप कर लेना है। साइनअप करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना है, हमने पहले से ही साइनअप कर रखा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा लॉगिन करेंगे अपना ईमेल पासवर्ड देके। जैसे हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हम लोगों का जो अकाउंट है यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा नाम अमन कुमार दिखाई दे रहा है। अभी मेरे को नीचे की तरफ आना है। जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हमें फिर से उसी पोस्ट पे क्लिक करना होगा जिस पोस्ट पे हमें अप्लाई करना है। सो देख लेते हैं, ये रहा दोस्तों पोजीशन, मोटर मैकेनिक के जॉब के लिए हमने अप्लाई करना था, हमें अप्लाई करना था, तो हम यहाँ पे फिर से इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे हम लोगों के सामने जॉब का डिटेल आ जाएगा ऐसा, जो कि आपको पढ़ना है, फिर से चेक कर लेना है कि इसी पोस्ट पे आपको अप्लाई करना है। बाकी अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है। अगली बार वहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई का था, बट अभी यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई नाउ का बटन है, यानी कि अब हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो हम लोगों के सामने एक अप्लाई का फॉर्म आ जाएगा, आवेदन फॉर्म आ जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हो। बिल्कुल आसानी से ये फॉर्म भर सकते हो। कैसे भरना है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका बेसिक डिटेल मांगा जाता है। बेसिक डिटेल में आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना होता है। बाकी एक्सपीरियंस इन ईयर, और यहाँ पे एक्सपीरियंस इन मंथ, ईयर में है तो यहाँ पे, मंथ में है तो यहाँ पे दे देना। बाकी फ़ोन नंबर देना है, यहाँ पे आपको अपना रिज्यूम अपलोड कर देना है, जो कि मेन पॉइंट है, क्योंकि रिज्यूम से ही ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों का
देखा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्लिक करके अपना रिज्यूम अपलोड करिएगा। बाकी यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, जेंडर, मेल फीमेल, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का नंबर, मतलब जो भी डिटेल आपसे मांगा जाता है वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। बाकी एकेडमिक डिटेल्स में आपको अपने क्वालिफिकेशन का डिटेल देना है, जैसे कि 10+2 हो, 10th पास हो, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि 10+2 हो तो वो आप सेलेक्ट कर लेना, बोर्ड, कॉलेज नेम और आपका कंप्लीट कब हुआ, कितना मार्क्स आया, सब कुछ आपको यहाँ पे देना है। वर्क एक्सपीरियंस बताना है अगर आपके पास है, एडिशनल डिटेल आपको देना है। ऐसे ऐसे करके जो भी डिटेल आपसे यहाँ पे मांगा जाता है वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना है, सेलेक्ट करना है। देन आपको नीचे आना है और यहाँ पे एग्री करना और यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों का इंडिगो एयरलाइन में जॉब के लिए, नौकरी के लिए अप्लाई हो जाएगा, आवेदन हो जाएगा बिना किसी चार्ज के, बिल्कुल फ्री में। सो इसी प्रकार से आपको अप्लाई करना है। एंड हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वीडियो बस डेमो के लिए था, एजुकेशन के लिए था कि कैसे आपको इंडिगो एयरलाइन का जॉब का डिटेल निकालना होता है, कैसे अप्लाई करना है। बट किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने से पहले आपको देख लेना है कि आप जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो आप उस पर एलिजिबल हो या नहीं हो। और यहाँ पर जॉब का भी कमी नहीं है, देख सकते हो 182 जॉब ओपनिंग है, तो जॉब का कमी नहीं है। आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे, इंडिगो एयरलाइन की वेबसाइट पे मंथली वीकली आप विजिट करते रहो, यहाँ पे हमेशा जॉब अपडेट होता रहता है। जब भी आपके लायक, मतलब आप जिस पोस्ट पे एलिजिबल हो ऐसा जॉब यहाँ पे दिखता है, आप उसी पे अप्लाई करिएगा। बाकी यहाँ पे किसी भी जॉब का डिटेल निकालने के लिए, किसी भी पोस्ट का डिटेल निकालने के लिए आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोगों के सामने जॉब का ऑफिशियल प्रोफाइल आ जाएगा, जो कि आपको अच्छे से रीड कर लेना है। और अगर आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, तो यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करके बिल्कुल फ्री में आप लोग इंडिगो एयरलाइन में जॉब के लिए, नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सब कुछ बता दिया है। बाकी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट में बताइएगा। एंड जाते जाते जरूरी जानकारी दे दूं, कभी भी यार अगर आपको कोई कॉल या फिर मेल आए और वहाँ पे ये बोला जाए हम यहाँ पे इंडिगो एयरलाइन की तरफ से बोल रहे हैं, यहाँ पे इस कंपनी से बोल रहे हैं, आप हमें इतना पेमेंट करो आपका जॉब मिल जाएगा, डायरेक्ट भर्ती हो जाएगा, आप हमें इतना पेमेंट शेयर करो डायरेक्ट जॉब दिलवा देंगे, OTP बताइए जॉब दिलवा देंगे, तो ऐसा आपको कभी भी झांसे में नहीं आना है। किसी भी प्रकार का कोई भी पैसे का लेन देन नहीं करना है, ना तो कोई OTP का लेन देन करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि क्या कैसे करना है। जानकारी कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों हम लोग किसी ने जॉब अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।